name is Dietitian Ankita and I'm onco-nutritionist at zenonco.io. आज हम बात करेंगे ग्लूटेन फ्री डाइट एंड कैंसर। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं मैम ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सबसे पहले ग्लूटेन होता क्या है। ग्लूटेन एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो कि पाया जाता है यूजुअली वीट में, राय में, बार्ले में, ओट्स में। तो ये इन सब चीजों में पाया जाता है। इसका जो जो इसकी मेजर क्वालिटी होती है, ये किसी भी कार्बोहाइड्रेट जैसे कि मैंने आपको बताया वीट, राई, बार्ले, ओट्स, इन सब में एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। प्लस हाई इन फाइबर भी होता है और ये हम लोग का एक स्टेपल फूड माना जाता है, स्पेशली इंडियंस का। जैसे हम बचपन से गेहूं की रोटी खाते हुए आ रहे, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो ग्लूटेन वीट में और इन सब चीज़ों में होता है। बट अगर मैं बात करूं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि ग्लूटेन फ्री डाइट और ग्लूटेन और कैंसर कैसे लिंक्ड हैं, बहुत सारी मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं, तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ग्लूटेन फ्री डाइट में वो फूड्स आते हैं जिनमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको पता है सोरगम, बाजरा, रागी, ज्वार, इन सब चीज़ों में ग्लूटेन नहीं होता, यानी कि वो इलास्टिसिटी नहीं होती, वो प्रोटीन नहीं होता जिसकी वजह से खिंचाव पैदा होता है इन सब में। ये जो फूड्स होते हैं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि वो बॉडी से सूजन को कम करने का काम करते हैं। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि प्लांट बेस्ड मिलेट्स आप खाएं जो आपकी बॉडी में एंटी इन्फ्लेमेशन हेल्प करे, और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है इनके अंदर, तो वो हेल्प करते हैं बॉडी में कैंसर से लड़ने के लिए। इसीलिए इसको काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। ग्लूटेन फ्री डाइट का मतलब है अगर आप ये सारे फूड्स नहीं खाते या अवॉइड करते हैं अपने डाइट से, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। अब ग्लूटेन फ्री डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे कि राइस हो गया, मैंने बताया आपको रागी हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सारी चीज़ें हैं कुछ एग्जाम्पल्स जो कि ग्लूटेन फ्री के अंदर आते हैं। अगर आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। डायबिटिक पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, ये आपके उसको भी रेगुलेट करने के लिए हेल्प करेगा, शुगर लेवल्स को, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को रेगुलेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी डाइट में अगर ग्लूटेन फ्री डाइट यूज़ करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए और ये कुछ मैंने आपको बेनिफिट्स बताए। अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट यूज़ करते हैं जो कि प्लांट बेस्ड डाइट होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। और काफ़ी बार देखा भी गया है जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के दौरान कि पेशेंट्स को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उनको जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब हम रोटी या ये सब चीज़ें खाते हैं तो वो सूट नहीं करती, वो इन सब चीज़ों को बढ़ा देती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें खाते हैं जो कि ग्लूटेन फ्री होती है, तो वो काफ़ी हेल्प करती है कि आपकी सूजन को कम करे या आपकी ब्लोटिंग की प्रॉब्लम या गैस्ट्रिक इश्यूज की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च में भी अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में बताया गया था कि जो लोग सीलियाक डिजीज के पेशेंट होते हैं, उनको बेसिकली ग्लूटेन फ्री डाइट प्रिस्क्राइब होती है, और ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से ही वो लोग वो बेसिकली उसका इलाज ही है कि ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करना पड़ता है। आज हमने ये जाना कि ग्लूटेन फ्री डाइट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और वो कैसे कैंसर के लिए हेल्प करता है। ग्लूटेन फ्री डाइट जो होती है उसमें आता है ग्लूटेन जिन चीज़ों में पाया जाता है वो चीज़ें होती हैं वीट, राई, बार्ले, ये सब चीज़ें। और जिन चीज़ों में ग्लूटेन नहीं होता, जाने की जो चीज़ें ग्लूटेन फ्री होती हैं, वो होती हैं बेसन, दालें, फल, सब्जियाँ, रागी, ज्वार, बाजरा, राइस, ये सारी चीज़ें ग्लूटेन फ्री होती हैं। अब हमने लिंक किया कि ग्लूटेन फ्री डाइट कैसे बेनिफिशियल है कैंसर के लिए,
क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर होती है और वो हाई इन फाइबर होती है और वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में हेल्प करता है। सो इसलिए आप अगर ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं तो वो बेसिकली आपकी डिजीजेस की कंडीशन में हेल्प करता है। दूसरा मेन पॉइंट है, जब कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं, नौजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, डाइजेशन इश्यूज, तो उस टाइम पे हम जब सॉफ्ट डाइट जैसे कि राइस ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उन जो साइड इफेक्ट्स हैं उनको सबसाइड करने में, यानी कि कम करने में, और देखा गया है कि काफ़ी पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करते हैं ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड ऑल्सो प्रिवेंट करने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद देखा गया है। सो आज मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि आज से ही ग्लूटेन फ्री डाइट फॉलो करें, और ग्लूटेन फ्री रेसिपीज भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट पे, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, और हेल्प के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये आज का इन्फॉर्मेशनल वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आई होप